हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेक्शन। लास्ट 2-3 क्लासेस में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, यानी कि इनका सोर्स क्या है, ये कहाँ से मिलते हैं। जो ये एल्यूमिनियम है, सोडियम है, ये सब मिलते कहाँ से हैं? ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेटलर्जी के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मेटल्स वगैरह हमें कहाँ से मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेटल्स, अक्रेंस ऑफ मेटल्स, मिनरल्स एंड ओज एंड मेटलर्जी के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपनी क्लास। फर्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है अक्रेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि जो मेटल्स हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स वगैरह हमने पढ़े थे, कि इनका सोर्स क्या है, ठीक है, कहाँ से मिलते हैं। इनका जो मेजर सोर्स है वो है अर्थ क्रस्ट। अब जो अर्थ है बेसिकली 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे आउटर लेयर इज क्रस्ट, देन इट कम्स मैंटल, फिर आता है कोर। ठीक है, कोर बेसिकली बहुत हॉटेस्ट, सबसे अर्थ का जो हॉटेस्ट लेयर है वो आती है कोर। अब जो क्रस्ट है वो, यानी कि जो उसकी टॉप मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है जो अर्थ की, यहाँ से ही मोस्टली जितने भी मेटल्स है यहाँ से ही मिलते हैं। ठीक है, और ये जो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं क्वाइट रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ये एयर या मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, रिएक्ट करते हैं, इसलिए ये फ्री एलिमेंट्स की तरह फॉर्म या अकर नहीं करते हैं। ठीक है, ये किस फॉर्म में फाउंड होते हैं? कंबाइंड स्टेट में, यानी कि इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं, या 2-3 मेटल्स जो हैं वो कंबाइन हुए होते हैं, उनको फिर आगे प्रोसेस करके उनको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। अब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब जो मेटल्स हैं ये बेसिकली फ्री स्टेट में भी अवेलेबल होते हैं। जैसे अब ये है, ये नेटिव गोल्ड की पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि गोल्ड की माइनिंग करके इस पीस को एज इट इज ही वहां से निकाल लिया गया था। कुछ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होती हैं जो इजिली रिमूव की जाती है। ठीक है, तो यानी कि ये जो गोल्ड है ये फ्री स्टेट में अवेलेबल होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कॉपर हो गया और सिल्वर हो गया, ये बोथ फ्री स्टेट में भी मिल जाते हैं और ये कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाते हैं। मिनरल्स एंड ओज, मिनरल्स और ओज में क्या डिफरेंस होता है? मिनरल्स बेसिकली वो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जिसमें जो मेटल्स है वो कंबाइंड स्टेट में फाउंड होता है, यानी कि वो कंपाउंड्स, कंबाइंड यानी कि वो केमिकली, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करके कंपाउंड बनता है। तो ऐसे मेटल्स जो कंपाउंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, और जो मिनरल्स है बेसिकली रॉक्स यानी कि पत्थरों के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, क्योंकि जो मोस्टली जितने भी मिनरल्स हैं ये बड़े बड़े रॉक्स के अंदर या उनके नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए जो मिनरल्स हैं उनको रॉक्स के साथ काफ़ी एसोसिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट, जिंक, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स जो हैं जो नेचर में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये जो पिक्चर है ये एक मिनरल की है, यानी कि ये एल्यूमिनियम, दिस इज एन एल्यूमिनियम मिनरल, यानी कि इसमें बहुत दो से ज़्यादा मेटल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे इनको उनका प्रोसेसिंग करके, इनको रिफाइनिंग करके इसमें से एल्यूमिनियम जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, अब ओर्स क्या होते हैं? ओर्स बेसिकली वो मिनरल्स हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया कि मिनरल्स क्या होते हैं जिसमें मेटल्स कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब वो मिनरल्स जिसमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, यानी कि उसमें से मेटल्स को निकाल लिया जाता है बहुत ही कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट नहीं, नॉर्मली कन्वीनियंटली आराम से और कम पैसों में उसको अगर निकाल लिया जाता है तो वो मिनरल्स क्या बन जाते हैं? ओर्स। ठीक है, सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते, लेकिन सारे ओर्स जो हैं वो मिनरल्स का पार्ट होते हैं, क्योंकि ओर्स वही मिनरल्स होते हैं जिसमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे ये एक ओर है, ये कॉपर ओर है, ठीक है, इसमें से फिर इसको रिफाइन करके इसमें से कॉपर निकाल लिया जा सकता है। ठीक है, और जो ये ओर्स होते हैं उसमें जो मेटल्स का अमाउंट होता है या परसेंटेज होता है बहुत ही हाई होता है। ठीक है, यानी कि इसमें से तो एक काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब ये
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी ओर्स हैं वो सारे मिनरल्स का पार्ट हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स का पार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि मिनरल्स और ओर्स क्या होते हैं। ठीक है, कि जो मेटल्स है वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उनको उनको उनमें से मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। इट इज नोन एज मेटलर्जी। द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग आर नोन एज मेटलर्जी। रिफाइनिंग का मतलब होता है कि उनके अंदर की जो इम्प्योरिटीज हैं उनको क्लीन करना, उसमें से इम्प्योरिटीज को निकाल देना। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें से ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, अब मेटलर्जी में चार प्रोसेसेस होते हैं, चार स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू जो मेटल्स हैं उनको ओर से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ कंसेंट्रेटेड ओर इंटू मेटल ऑक्साइड्स, नेक्स्ट स्टेप आता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स, लास्ट इसमें स्टेप आता है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स। अब हम एक एक करके इन स्टेप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मेटलर्जी में जो सबसे पहला स्टेप है वो है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। कंसेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है कि जो ओर्स होते हैं उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कुछ क्ले हो गया, सैंड होगी, छोटे छोटे पत्थर हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। इसे ड्रेसिंग या बेनिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ये इसके अलग अलग और नाम है। ठीक है, और इन जो ये अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे सैंड, क्ले, रॉक, ये जो इम्प्योरिटीज़ है इन्हें क्या बोला जाता है, गैंक। ठीक है, ये क्योंकि ये मेटल्स के लिए कोई यूज़ नहीं है, इनको रिमूव किया जाता है, उसी स्टेप को क्या बोलते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, अब इन अनवांटेड मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए चार बेसिक प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले है हाइड्रोलिक वॉशिंग, देन इज मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर आता है फ्रोथ फ्लोटेशन, एंड लास्ट इज लीचिंग। सबसे पहले इसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग बेसिकली इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है कि जो ओर और जो गैंग है यानी कि जो इम्प्योरिटीज हैं उनमें डेंसिटीज का डिफरेंस होता है, यानी कि कुछ हैवी हो सकती है और कुछ लाइट हो सकती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर आप यहाँ पे इमेज में देखें, ठीक है, यहाँ पे जो ये है ओर है, दिस इज ओर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पानी को फ्लो किया जाता है, हाई इंटेंसिटी से यहाँ पे थ्रो किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो लाइट इम्प्योरिटीज होती हैं, इनकी जो हल्की इम्प्योरिटीज होती हैं वो पानी में ऊपर आ जाते हैं, बीइंग लाइट हल्की होती है तो वो ऊपर राइज कर जाती है। ठीक है, तो जितने भी लाइट इम्प्योरिटीज होती है वो पानी के साथ ऊपर की तरफ फ्लो कर जाती हैं, और जितने भी हैवी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यानी कि अगर मेटल्स हैं या कुछ और हैवी पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, वो नीचे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस से जितने भी लाइट इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, इसमें लाइटर इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जा सकता है और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें प्रोसेस यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, ऐसा और जिसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, और उसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज हैं वो नॉन मैग्नेटिक होंगी, यानी कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करेंगी, तो उसको मैग्नेटिक सेपरेशन से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहले ओर को फाइनली ग्राउंड किया जाता है, यानी कि उसको बहुत ही माइन्यूट या बहुत ही बारीक पीसीज में उसको ब्रेक किया जाता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं सिंटरिंग। ठीक है, यानी कि इसको सेपरेट करने से पहले ओर को बहुत ही अच्छे से पीसा जाता है, उसे बोलते हैं सेंटरिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैग्नेटिक रोलर है। ठीक है, जब ये इसको यहाँ से इस पे रोल किया जाता है, घुमाया जाता है, तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक जिस जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी होगी कि वो मैग्नेट से चिपक जाएंगे, यानी कि जो ये वाले पार्टिकल्स हैं ये मैग्नेट के पास पास रहेंगे। ठीक है, तो इसके जो ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, और बींग जो इम्प्योरिटीज बींग नॉन मैग्नेटिक, यानी कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, जैसे सैंड हो गया, क्ले हो गया, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट
नहीं होते हैं, तो ये इससे दूसरी साइड ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, जिससे नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स और मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, ये जो टेक्निक है मोस्टली माइन आयरन माइनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि एज ऑल ऑफ यू नो कि जो आयरन है वो इजिली मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन बेसिकली सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि वो ओर्स जिसमें सल्फाइड प्रॉपर्टीज होती हैं उनके लिए फ्रोथ फ्लोटेशन यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस सल्फाइड ओर को पाइन ऑयल और वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी कि गैंग इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो इसमें इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो सल्फाइड ओर है, ठीक है, इसके अंदर पाइन ऑयल और वाटर मिक्स किया जाता है और फिर इसको अच्छे से घुमाया जाता है एयर के थ्रू, इसको बहुत अच्छे से रोटेट किया जाता है, जिससे जो है ये फ्रॉथ बन जाता है। फ्रॉथ का मतलब यानी कि झाग, ठीक है, झाग, सबको ये बबल्स बन जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, जब इस कंप्रेस्ड एयर को यहाँ पे इसमें घुमाया जाता है तो ऊपर झाग बन जाती है, तो ये जो इम्प्योरिटीज होती है बींग हैवी ये नीचे सेटल हो जाती है। ठीक है, जो ये इम्प्योरिटीज़ है ये नीचे सेटल हो जाती है और जो सल्फाइड ओर्स हैं ये इस बबल्स या इस वाटर के साथ ये कंबाइन हो जाते हैं। फिर इसको यहाँ से सेपरेट किया जा सकता है, यहाँ से इसको सेपरेट करके फिर इसको आगे इसकी रिफाइनिंग की जाती है, जिससे प्रॉपर सल्फर ओर सल्फर या सल्फाइड जो है प्रॉपर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस था फ्रोथ फ्लोटेशन का। नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसमें लीचिंग। लीचिंग बेसिकली ऐसा ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ओर है उसको एक सूटेबल री एजेंट उसमें डाल के फिर उसको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो ओर है वो डिजॉल्व हो जाता है जो एजेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन जो इम्प्योरिटीज हैं वो उसमें डिजॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। ठीक है, ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी डिफरेंस, यानी कि जो ओर है, ठीक है, जो ओर है वो तो डिजॉल्व हो जाएगा लेकिन इम्प्योरिटीज डिजॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, तो उससे इम्प्योरिटीज को सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे बॉक्साइट, ये एक बॉक्साइट का ओर है, इस बॉक्साइट में से जो एल्यूमिनियम है उसको सेपरेट किया जा सकता है। बॉक्साइट एक ओर है एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो इसको लीचिंग प्रोसेस के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। इसमें जो सूटेबल रीएजेंट यूज होता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जो एल्यूमिनियम है वो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिजोल्व हो जाता है और जितने भी इम्प्योरिटीज हैं बींग इनसॉल्युबल वो सेपरेट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीचिंग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा कि जिसमें इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जा सकता है उसे बोलते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। तो उसको रिमूव करने के लिए हमने अभी पढ़े चार प्रोसेसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो इसमें स्टेप है, कन्वर्जन ऑफ कंसेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, कंसेंट्रेटेड ओर यानी कि जिसमें से जो इम्प्योरिटीज है वो रिमूव की जाती है, जो हमने चार प्रोसेसेस पढ़े, किसी भी एक प्रोसेस को यूज करके उसमें से इम्प्योरिटीज रिमूव कर दी जाती है। ठीक है, तो अब उस कंसेंट्रेटेड ओर को उसके मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, तो इस कैल्सिनेशन में क्या होता है, बेसिकली जो ये ओर है इसको उस ओर के मेल्टिंग पॉइंट से कम, यानी कि जिस पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाता है उससे कम टेम्परेचर पे पहले इसको हीट किया जाता है, फिर प्रेजेंस ऑफ एयर यानी कि उसमें से बहुत ही ज़्यादा हॉट एयर, बहुत ही गर्म हवा को उससे पास किया जाता है, जिससे इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं और जो ओर है वो उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे भी लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन एक कार्बोनेटेड ओर है। ठीक है, इसको प्री हीट यानी कि इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 825 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा हॉट एयर इसके थ्रू पास की जाती है और उसको बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा जो है यहाँ से पास की जाती है, जिससे क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और वो गैस और वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो गैशियस की फॉर्म में रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो जितने भी इम्प्योरिटीज़ है गैस बन के यहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ रिमूव होगी उसमें से। ठीक है, अब उस ओर को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, यहाँ से कोल्ड एयर पास की जाती है और इसको ठंडा किया जाता है और यहाँ से जो प्यूरिफाइड ओर है वो यहाँ से
बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। नेक्स्ट इसमें जो स्टेप आता है वो है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। ठीक है, कैल्सिनेशन के थ्रू जो ओर है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब रिडक्शन के थ्रू इस मेटल ऑक्साइड से मेटल्स को निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो रिडक्शन इज बेसिकली दैट प्रोसेस इन विच मेटल ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इन टू मेटल। ठीक है, अब इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए तीन मेथड्स हैं, या कार्बन यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले कार्बन। कार्बन में क्या होता है कि जो मेटल ऑक्साइड है उसको कार्बन के साथ मिक्स किया जाता है और उसको फिर फर्नेस में हीट किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो कार्बन है वो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके फ्री मेटल प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ZnO, यानी कि ये जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, इसको जब कार्बन के साथ मिक्स किया जाता है तो ये कार्बन जो है इसको इस ऑक्साइड को रिड्यूस करके इसको फ्री मेटल निकल जाता है, यानी कि जिंक, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, यानी कि कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके मेटल ऑक्साइड को मेटल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज ऑल्सो यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें मेटल्स को रिड्यूस करके, सॉरी, मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करके मेटल्स निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब ये जो एल्यूमिनियम है उन मेटल्स ऑक्साइड्स के लिए यूज़ किया जाता है जो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी पिछले क्लासेस में, जिंक थोड़ा नीचे प्लेस था, यानी कि जिंक जो है थोड़ा कम रिएक्टिव था। तो वो मेटल्स जो जिंक से ऊपर प्लेस थे, यानी कि जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव थे, उनके लिए क्या यूज़ होता है, एल्यूमिनियम यूज़ होता है। दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो वो मेटल्स जो जेडन से, यानी कि जिंक से ऊपर प्लेस्ड है, उनके लिए एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें अगर हम मैंगनीज ऑक्साइड लें, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड में एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके मैंगनीज सेपरेट किया जा सकता है और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में बन जाता है और हमारे पास ये मेटल जो है ये फ्री स्टेट में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इज यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। लास्ट इसमें जो है वो है इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन में क्या होता है कि उस मेटल ओर को मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू उसको इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास किया जाता है, जिसमें से जो मेटल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, यानी कि कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो एनोड के ऊपर, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ये मोल्टन NaCl है, यानी कि सॉल्ट सोल्यूशन है मोल्टन। अब इसमें से ये पूरा इसका सर्किट कंप्लीट किया जाता है, जिसमें बैटरी होती है एंड दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जब इसका पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो जो हमें मेटल चाहिए इसमें से, यानी कि सोडियम चाहिए Na, ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होता है तो ये इसके जो सॉल्ट है इसको ब्रेक कर देता है। जो सोडियम है यानी कि जो मेटल है वो नेगेटिव साइड डिपॉजिट हो जाते हैं, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो उसके पॉजिटिव साइड डिपॉजिट हो जाती है, जिससे मेटल्स और इम्प्योरिटीज आगे और सेपरेट हो जाती है और जो मेटल है हमें फ्री फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, इसमें जो लास्ट स्टेप है वो है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स। ठीक है, यानी कि जो मेटल्स हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, ठीक है, पिछले तीन स्टेप से, उनको फिर प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग, और इसकी प्योरिफिकेशन बेसिकली चार मेथड से की जाती है। सबसे पहले है इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो मेटल्स हैं, यानी कि जो कॉपर, गोल्ड, जिंक, इन सबको इनसे रिफाइन किया जाता है। कॉपर का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यहाँ पे लिया गया है नीचे एज अ सोल्यूशन, और जो इम्प्योर कॉपर एनोड है, यानी कि इम्प्योर कॉपर कॉपर है, उसको पॉजिटिव साइड लगा दिया जाता है, जिसको प्यूरिफाई करना होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो इसका जो ये सोल्यूशन है ये इस कॉपर एनोड को ब्रेक करने लग जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे सेटल हो जाती है, और जितना भी प्योर कॉपर है वो इस इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पे आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिससे इसके अंदर कुछ भी इम्प्योरिटीज है उसको प्यूरिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। नेक्स्ट इसमें प्रोसेस है वो है लिक्वेशन का। लिक्वेशन मतलब कि जिसमें इम्प्योरिटीज को
मेल्ट किया जाता है, ठीक है, जिसमें इम्प्योरिटीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेसिकली जो जिस मेटल को हमने प्योरीफाई करना होता है उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि इम्प्योर मेटल या ओर लिया जाता है, ठीक है, उसको एक स्लोपिंग पाइप के थ्रू उसको पास किया जाता है, और यहाँ पे इसको यहाँ से हीट किया जाता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, ठीक है, जो जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ओर से ज़्यादा होता है जिन इम्प्योरिटीज़ का, ठीक है। तो क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पे बहुत हीटअप हो जाती हैं, ठीक है, और ऊपर कंडेंसेशन होके ये यहाँ पे सेटल हो जाती हैं, और जो प्योर मेटल है वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विशन, क्लियर है। इसमें जो लास्ट मेथड है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बेसिकली उन मेटल्स के लिए यूज किया जाता है जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, दे हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जिंक है, मर्करी है, ठीक है, इनके लिए डिस्टिलेशन को यूज किया जाता है। तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि इन मेटल्स को वेपर्स की इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स को वेपर्स के फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि अगर कोई भी इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल है इसको हीट करके, ठीक है, पहले इसके वेपर्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। फिर और जो इम्प्योर, क्योंकि बहुत इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है, बहुत कम टेम्परेचर पे हीट कर जाते हैं, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो बॉइल या हीटअप नहीं हो पाती हैं, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे ही सेटल हो जाते हैं, और इन वेपर्स को फिर कंडेंस करके यानी कि उनको ठंडा करके, ठीक है, फिर उससे उसका प्योर मेटल को निकाल लिया जाता है, ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे ही रह जाती हैं, ठीक है। तो इस प्योरिफिकेशन के प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। अब जल्दी से रिव्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आज हमने क्लास में पढ़ा है उससे रिलेटेड, ठीक है, और क्वेश्चन करने के बाद, सॉरी, क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके प्लीज उसका आंसर खुद ट्राई करने की कोशिश करना। सबसे पहला क्वेश्चन है, द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग आर नोन एज, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि मेटल्स और ओर्स को प्रोसेस करके उनमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, मेटलर्जी या मिनरल्स, इट इज नोन एज सी मेटलर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड्स इनटू मेटल इज कॉल्ड, ठीक है, उस प्रोसेस में जिसमें मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फ्रोथ फ्लोटेशन या डिस्टिलेशन, द आंसर इज बी रिडक्शन। लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड्स इज कॉल्ड, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें ओर को मेल्टिंग पॉइंट से बिलो हीट किया जाता है जिससे उसको मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैल्सिनेशन या गैंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड सी कैल्सिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।